सो फ्रेंड्स, जैसे अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर एक डेल का सीपीयू हम लोगों ने लिया है, जिसका प्रॉब्लम है कि ये पावर ऑन नहीं हो रहा है या इसके डिस्प्ले पर कुछ नहीं आता है। तो मैं यहाँ पर देखिए पावर के बटन पर क्लिक कर रहा हूँ और ये पावर के बटन में एक रेड लाइट आता है और यहाँ पर एक लाइट आता है और ये दोनों रेड लाइट आकर ये सिस्टम बंद हो जाता है, मतलब उसके आगे नहीं बढ़ता, यहीं पर ये रुक जाता है। तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आपके डेल के सीपीयू में आ रहा है या और कोई प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें आपका डिस्प्ले नहीं आता है, डिस्प्ले पर कुछ नहीं दिखाता है, तो वो सारे प्रॉब्लम हम लोग इस वीडियो में सॉल्व कर सकते हैं, जिसके मल्टीपल रीजंस होते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं और उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। तो हम इस वीडियो में आज 4 से 5 अलग अलग सॉल्यूशंस देखने वाले हैं कि आप कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे आपके पास डेल का पीसी है। सो फ्रेंड, जो अभी हमको एरर आ रहा है, उस एरर के लिए हम लोग सबसे पहले हमारा ये जो डेस्कटॉप है, जो कैबिनेट है, हो सकता है ये टावर कैबिनेट है, आपके पास स्लिम वाला कैबिनेट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी में ऑपरेशन तकरीबन सेम होता है और सभी के पार्ट्स तकरीबन सेम होते हैं। तो आपको जो करना है सबसे पहली ट्रबल शूटिंग, वो करना है पावर के ऊपर, क्योंकि जब भी कोई रेड लाइट एरर आता है, मतलब ये है कि आपके सिस्टम में पावर नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है या पावर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं पावर सप्लाई से, जो सप्लाई करता है कंप्यूटर के मदरबोर्ड को उसको। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नो सर्च, मैं जुबैर शेख आप सबका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक करो ताकि आपको ऐसी टेक्निकल वीडियोज की अपडेट आगे भी मिलती रहे। अगर चैनल के वीडियोस और इन्फॉर्मेशन से आपको आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिलती है तो आप चैनल के लिए कोई डोनेशन कर सकते हो, डोनेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। तो आप आपका जो कैबिनेट है उसको साइड से खोल लीजिए, हो सकता है आपका इस तरह से लॉक हो या फिर बैक साइड में कुछ लॉक हो, तो आप इस पैनल को खोल लीजिए सबसे पहले और इस पैनल को खोलकर आप साइड में रख दीजिए। अब आप ये जो देख रहे हो ये SMPS है, इस SMPS में इस साइड से जो है पावर की केबल लगी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हो इस साइड से पावर की केबल लगी हुई है। तो ये जो कनेक्शन है SMPS से, जो कनेक्शन आ रहे हो मदरबोर्ड पे यहाँ लगे हुए, तो आपको ये कनेक्शन को एक बार रिमूव करके वापस से लगाना है। ये कनेक्शन हमने रिमूव कर दिया है, आप इसे क्लीन करके, ब्रश वगैरह से क्लीन करके लगा सकते हो वापस। इसमें डस्ट अटकने की वजह से भी कभी कभी पावर सप्लाई नहीं होता है मदरबोर्ड। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप काम कर रहे हो तो आप पावर सप्लाई ऊपर बोर्ड से बंद कर दें और ये जो कनेक्शन होते हैं पावर के, ये कनेक्शन भी आप यहाँ से रिमूव कर दें। ये जो वायर होता है, इस वायर को आपको रिमूव कर देना है और उसके बाद आपको इस पावर के कनेक्शन को लगाना है। उसके बाद दूसरा जो पावर का कनेक्शन होता है, जो डिस्प्ले का कनेक्टर होता है, इस कनेक्टर को आपको खोल कर लगाना है वापस से। ये दोनों कनेक्शन लगाने के बाद आपको जो पावर की केबल है उसको वापस से पावर की केबल को SMPS के सॉकेट में लगाना है। और देखिए ये लगाते ही ऑटोमेटिकली अभी सिस्टम स्टार्ट हो चुका है। जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा था रेड वाला, वो प्रॉब्लम चला गया है और अब यहाँ पर दूसरे दो रेड कलर के लाइट्स आ रहे हैं। यहाँ ये वाला ब्लू हो चुका है तो सिस्टम ऑन हो चुका है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, डिस्प्ले अभी भी नहीं आया है। इवन आप अगर कीबोर्ड के लाइट्स भी चेक करोगे तो कीबोर्ड्स के नंबर लॉक के लाइट्स भी नहीं आ रहे जो यहाँ पे आना चाहिए। माउस में भी लाइट नहीं आ रहा है जबकि ये दोनों कनेक्टेड है। तो इसका मतलब भी यही है कि अभी तक हमारा जो इशू है वो सॉल्व नहीं हुआ है। यहाँ पे 3 और 4 नंबर का एरर आ रहा है। तो डेल के जो ऑप्टिपलेक्स सीरीज है और ये जो मॉडल्स हैं, इसमें 3 और 4 का मतलब होता है रैम का प्रॉब्लम है, आपकी जो रैम है वो प्रॉपर इंस्टॉल नहीं है। तो अभी हम 2 नंबर के फिक्स पर जाते हैं, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई रैम में क्या प्रॉब्लम है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको चेक करना है, अगर आपका SMPS काम नहीं कर रहा है तो आप SMPS दूसरा लगाकर चेक करेंगे। अगर आपकी रैम काम नहीं कर रही है तो रैम आप वही क्लीन करके लगाएंगे, या वो नहीं काम कर रही है तो आप दूसरी रैम लगाएंगे। तो हम यहाँ पर दोनों भी एक्टिविटीज़ अभी करते हैं और देखते हैं कि इशू सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो रैम्स हैं, ये 2 रैम्स अवेलेबल है। तो अगर आपके पास 2 रैम अवेलेबल है तो सबसे पहले आप दोनों रैम निकाल ले आपके सिस्टम से। और अगर यहाँ पर धूल मिट्टी वगैरह लगी हो या बहुत सारी डस्ट जमी होती है इन एरिया में, जो कि कनेक्टेड होता है मदरबोर्ड पे, इस एरिया में भी बहुत सारी धूल होती है क्योंकि सिस्टम खुलता नहीं है बहुत दिन, 2 साल 3 साल तक, तो आप उसे क्लीन करें। लेकिन क्लीन करते वक्त कोई भी सॉफ्ट चीज़ यूज़ करें, किसी हार्ड कपड़े से इसे क्लीन ना करें, ताकि ये जो बारीक बारीक आइसिस होती है ये डैमेज हो सकती है। यहाँ पर कोई धूल वगैरह मुझे नहीं दिख रही है, मुझे ये रैम में प्रॉब्लम दिख रहा है। तो मैं ये दोनों भी रैम को यहाँ पर साइड में रख देता हूँ, सिर्फ 1 रैम इसमें से यूज़ करूँगा। और 1 रैम यूज़ करने के बाद आप चेक करेंगे कि आपका डिस्प्ले आता है या नहीं आता है। अब इस रैम पर अगर डिस्प्ले नहीं आता है आपका, तो आप सेम रैम को दूसरे स्लॉट में लगाएंगे, इस वाले स्लॉट में, और चेक करेंगे। अगर नहीं आता है तो फिर इस रैम को आप साइड में रख देंगे, जो रैम आपने अभी निकाली है सिस्टम में से वो रैम आप लगाएंगे और उस रैम को 1 बाय 1 दोनों भी स्लॉट्स में चेक करेंगे। जिस पर आ जाता है मतलब उस स्लॉट, वो स्लॉट ओके है और वो रैम ओके है और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और अगर नहीं आता है तो आपको ये 2 रैम छोड़कर कोई 3री रैम लगाकर चेक करना पड़ेगा, जिस पर आपका कंप्यूटर शायद चालू हो सकता है।
तो मैं यहाँ पर वापस से पावर के बटन ऑन किया मैंने और ये ऑटोमेटिक सिस्टम ऑन हो चुका है, फिर भी ये एरर बता रहा है, 3 और 4 एरर कंटिन्यू यहाँ पर आ रहा है, मतलब ये रैम में भी प्रॉब्लम है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली तीसरी रैम लगाकर देख लेता हूँ, मुझे इन दोनों रैम्स पर डाउट हो रहा है कि ये दोनों रैम ख़राब हो चुकी है या शॉर्ट हो चुकी है। तो हम वापस से यहाँ पर पावर बटन बंद करते हैं। अब ये जो दोनों भी रैम हमने निकाली है, इन दोनों रैम्स को मैं यहाँ पर साइड में रख दे रहा हूँ। ये दोनों रैम है जो हमने कंप्यूटर से निकाली और यहाँ पर एक तीसरी रैम हमारे पास अवेलेबल है जो कि वर्किंग है, टेस्टेड है, दूसरे सिस्टम में ये चल रही थी रैम। इस रैम को हम यहाँ पर लगाते हैं और इस रैम को लगाने के बाद हम एक बार हमारे कंप्यूटर को चेक करते हैं। तो अभी आप देख रहे हो मैं यहाँ पर पावर ऑन कर रहा हूँ इस रैम को लगाने के बाद, और यहाँ पर हमारे पास ब्लू कलर का लाइट आ चुका है, लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ एरर्स आ रहे हैं, एरर कोड्स आ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से एरर कोड्स हैं। वापस से मैं एक बार पावर का बटन ऑन करता हूँ और ये सिस्टम अभी ऑन हुआ है हमारा, और यहाँ पर देखिए एरर कोड्स चेंज हो चुके हैं। जो 3-4 एरर आ रहा था अभी 1-2 हो चुका है, और स्क्रीन पर आप देख रहे हो स्क्रीन हमारा आ चुका है, मतलब ये जो रैम का प्रॉब्लम था हमने सॉल्व कर दिया और डिस्प्ले यहाँ पर हमारा आ चुका है। अब जो स्क्रीन पर बता रहा है यहाँ पर विंडोज़ या ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर इसलिए लोड नहीं हो रहा है क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जो हार्ड डिस्क है वो हार्ड डिस्क भी ख़राब हो चुकी है, तो हमें वापस से उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। जो यहाँ पर एरर ये दे रहा है कि टू कंटिन्यू प्रेस F1 की टू चेंज द सेटअप ऑप्शन प्रेस F2, तो यहाँ पर हम F1 प्रेस करते हैं कंटिन्यू करने के लिए, और देखिए यहाँ पर आएगा नो बूट डिवाइस फाउंड। तो ये नो बूट डिवाइस फाउंड जो बता रहा है इसका मतलब है कि आपके जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो आप सॉफ्टवेयर एक बार इंस्टॉल कर लेंगे तो आपका कंप्यूटर चालू हो जाएगा। तो जो नो डिस्प्ले का जो प्रॉब्लम था वो हमने यहाँ पर रैम के इशू से सॉल्व किया है। अगर स्टिल आपका इशू सॉल्व नहीं होता है रैम चेंज करने के बाद, तो आप आगे की ट्रबल शूटिंग कर सकते हो, आप CPU फैन निकाल कर चेंज करके देख सकते हो, या आप प्रोसेसर चेंज करके देख सकते हो, या आप उसके बाद मदरबोर्ड को रिमूव करके कैबिनेट से वापस लगा सकते हो। ये सारी ट्रबल शूटिंग एक दूसरी वीडियो में आपको बताई हुई है, जो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में 5वें नंबर पर मिल जाएगा, या आप डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो को चेक कर सकते हो। होप सो फ्रेंड, अगर आपका प्रॉब्लम इस वीडियो से सॉल्व हो जाएगा, अगर नहीं होता है तो कमेंट करके बताएं, आपको उस पर रिप्लाई दिया जाए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन और सॉल्यूशंस आपको बताए गए वो आपके ज़रूर काम आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए डोनेशन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।